मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है। वहां के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। पूर्व सीएम का अपमान किया है, कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? बिहार के सीएम ने बड़े सदन में बुरी तरह अपमानित किया। ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना कि वो सीएम पद के योग्य नहीं थे, ये अहंकार की भावना। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस बार बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में बहुत कुछ हुआ और आपने देखा कि विधानसभा में नीतीश कुमार ने क्या कहा और विधानसभा सदन के भीतर ही कैसे मांझी का अपमान हुआ। ये तथाकथित अपमान जो है सियासी है। हालांकि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी से काफी सारी बातें कही, जीतन राम मांझी को हड़काया, तू तड़ाक पर भी नजर उतरते नजर आए, और इसी को लेकर अब बिहार में ही नहीं पूरे देश में सियासत चल रही है। उससे एक दिन पहले नीतीश कुमार ने क्या कुछ बयान दिया था सेक्स एजुकेशन को लेकर के, वो भी आप जानते हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, नरेंद्र मोदी को जहां आप सुन रहे थे वहां का वीडियो हम आपको पूरा सुनाएंगे। तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांझी के अपमान पर अपनी तीखी टिप्पणी की है और नीतीश कुमार पर भी बहुत कुछ बोले हैं। पूरा वीडियो सुन लीजिए। ना कुटुंब संभ्युलारा, कांग्रेस ने इन दिनों जिस इंडी अलायंस का छाता खोल रखा है उसमें बिहार के मुख्यमंत्री जो आजकल जातिवाद राजनीति का झंडा लेकर घूमते हैं, मुझे याद है उन्होंने मेरे करीबी दोस्त और दलित नेता रामविलास पासवान जी का लगातार अपमान किया था। यहां तक कि जब रामविलास पासवान जी को राज्यसभा सीट की बात आई थी तो वो भी समर्थन देने में आनाकानी कर रहे थे। मैंने रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान में इस दुख को हमेशा महसूस किया है। अभी हमने दो दिन पहले ही देखा है कि बिहार के उन्हीं सीएम ने विधानसभा में सदन के फ्लोर पर एक और दलित नेता का, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व सीएम का अपमान किया है। तो सुना आपने, चुनावी दौर चल रहा है और ऐसे में तेलंगाना के जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में नीतीश कुमार के द्वारा जीतन राम मांझी को लगाई गई फटकार पर बहुत कुछ कहा है। रामविलास पासवान का भी जिक्र उन्होंने किया है, चिराग पासवान का भी जिक्र उन्होंने किया है, नीतीश कुमार का नाम लेकर बोले हैं। यदा कदा ही नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का नाम लेकर उन पर हमला करते हैं और इस बार ऐसा ही हुआ है। जीतन राम मांझी के अपमान का मुद्दा उन्होंने उठाया है और इसे अति दलित के अपमान से नरेंद्र मोदी ने जोड़ा है। नीतीश कुमार ने सदन में क्या कुछ किया और किस प्रकार दोनों तरफ से बातें हुई, वाद विवाद हुआ और उस पर कितनी सियासत हो रही है, ये तमाम चीजें आप कई दिनों से देख रहे हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने खुलकर इस मसले पर अपनी राय रखी है, यूं कहें कि नीतीश कुमार का विरोध किया है, नीतीश कुमार पर कड़ी टिप्पणी की है। तेलंगाना की जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जीतन राम मांझी के पक्ष में बहुत कुछ बोला है और नीतीश कुमार के खिलाफ भी बहुत कुछ बोला है। अब ऐसे में हम आपको सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी ने भी नरेंद्र मोदी का साथ पाने पर बहुत कुछ कहा है। अब जीतन राम मांझी क्या कुछ कहते हैं आप उनके इस ट्वीट में देखिए। हालांकि इस जीतन राम मांझी के इस ट्वीट के साथ वीडियो भी है, लेकिन वीडियो चूंकि हम आपको सुनवा चुके हैं पूरा, अब जीतन राम मांझी का ट्वीट सुनिए। धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके स्नेह और अपनापन ने हमेशा मुझे शक्ति दी है। दलितों और वंचितों के प्रति आपकी निष्ठा अद्वितीय है, आपका स्नेह मुझ पर और समस्त दलितों वंचितों पर हमेशा बना रहे। ये जीतन राम मांझी ने जो है वो नरेंद्र मोदी को कहा है, जब नरेंद्र मोदी ने मांझी के मुद्दे को उठाया और तेलंगाना की जनसभा में नीतीश कुमार पर हमला कर दिया तो जीतन राम मांझी ने अब धन्यवाद दिया है। हालांकि जीतन राम मांझी कुछ महीनों पहले तक नीतीश कुमार के ही साथ थे, लेकिन जब अलग हुए, जब मंत्रिमंडल से उनके बेटे ने अपना इस्तीफा दिया और वापस मंत्री पद उन्होंने छोड़ दिया, संतोष मांझी की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद से एनडीए ज्वाइन करने के बाद जीतन राम मांझी काफी मुखर होकर बोलने लगे हैं, नीतीश कुमार पर तीखी तीखी प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे थे इन दिनों। और शायद यही वजह हो सकती है जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार ने सदन में जीतन राम मांझी को
इसीलिए लपेट लिया और खूब सुना दिया। लेकिन अब मसला सियासी हो गया है और इस पर नरेंद्र मोदी की टिप्पणी भी बड़ी मायने रखती है। देखना है कि प्रतिक्रिया क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।